वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पांचवी और आखिरी चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैश किया गया। इसके तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 500 रुपये भेजे गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना के तहत ये भी कहा कि 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचाया गया। अगर ऐसा सच में सच है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे देश के गरीबों को। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना से जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की घोषणा भी की गई है। अब वित्त मंत्री ने ये सभी ऐलान तो कर दिए, लेकिन वो लोग कितना कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन वो सारी जो मदद लोगों तक कितनी पहुंच पा रही है ये तो लोग ही बता पाएंगे।